हेलो फ्रेंड्स, मैं ना रविकांत है और कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट, और देखेंगे कैसे हम इसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अल्फा टेस्ट जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सीरीज, ठीक है, जस्ट आप लोगों ने कैसे याद रखनी है, ए बी सी डी, ठीक है, इसको एज इट इज़ याद रखनी है आप लोगों ने जेड तक, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने नंबरिंग देनी है, पहले तो आपने फॉरवर्ड सीरीज में नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, और फिर आपने बैकवर्ड ऑर्डर में इसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। क्लियर है गाइस, ये आपने सबसे पहले लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर। जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सभी इसके बेसिस के ऊपर करेंगे, ठीक है गाइस। सो आप सभी को पता है कि इसमें जो फर्स्ट हाफ सीरीज होती है, ठीक है, टोटल इसमें कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। सो 26 में थे जो इसका हाफ होगा, दैट इज 13, ठीक है, यहाँ तक एम तक, ये इसका फर्स्ट हाफ होगा और ये इसका सेकंड हाफ होगा। क्लियर है गाइस। सो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे कि इसको हम कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों ने याद करनी है अगर हमने अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को करना है तो। सबसे पहले देखते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट है जो वो कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है गाइस। जो अल्फाबेट टेस्ट होता है ये मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इसमें फाइंडिंग अ पर्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, हमने कोई भी पर्टिकुलर लेटर, ठीक है ना, अल्फाबेट को फाइंड आउट करना होगा जो भी हमें एक ऑर्डर गिवन होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो टाइप फर्स्ट होगा आपका। क्लियर है गाइस। इसमें जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। अल्फा और न्यूमेरिक ए बी सी लाइक, और जो नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3, इनका एक मिक्स सीक्वेंस होगा और उसके बेसिस के ऊपर कोई भी सीरीज दे देंगे, ठीक है, वो हमने सॉल्व करनी है। ये सेकंड पार्ट होगा। और इसमें जो थर्ड टाइप होगी अल्फाबेट टेस्ट की वो क्या होगी, लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसमें लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, मीन्स टू से कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, तीनों टाइप्स कवर करेंगे और देखेंगे तीनों टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं अल्फाबेट टेस्ट में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, 11th लेटर हमने लेफ्ट से निकालना है और 20th लेटर हमने ये भी कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से, ठीक है। यहाँ पे दो लेफ्ट आ रहे हैं, अगर तो क्वेश्चन में आपका सेम आता है, लेफ्ट लेफ्ट आता है या राइट राइट आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें माइनस करना है। क्लियर गाइस, अगर तो सेम आते हैं, लेफ्ट लेफ्ट आता है या राइट राइट आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। अगर तो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आता है तो आप लोगों ने उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों ने प्लस करना है। क्लियर है गाइस। आप लोगों ने सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक इसमें याद रखनी है कि हम अल्फाबेट टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ठीक है, अगर तो सेम है, लेफ्ट लेफ्ट का केस आ रहा है तो हम माइनस करेंगे, राइट राइट का केस आ रहा है तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट अगर दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं तो हम प्लस कर देंगे, या राइट लेफ्ट जो भी होगा। क्लियर है गाइस। बहुत ईजी ट्रिक है और ये तो आपको याद भी हो जाएगी। क्लियर है गाइस। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट और 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। 20 माइनस 11, ठीक है, बड़े में से हमने छोटा माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। 9 आ जाएगा, और 9 हमने कहाँ से देखना है ये, ठीक है। लास्ट में क्या है, लास्ट में लेफ्ट है, ये जो हम 9th लेटर देखेंगे ये भी हम कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, जो लास्ट में लिखा होगा लेफ्ट या राइट हम वही फॉलो करेंगे पैटर्न। क्लियर है गाइस। लास्ट में यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है तो हम लेफ्ट से चेक करेंगे और 9th लेटर को देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें से हमने 9th लेटर को देखना है लेफ्ट से। हम चेक करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फाबेट है, हमारा यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और जो ये हमारा क्या होता है, राइट यहाँ से स्टार्ट होता है। लेफ्ट से हमने 9th लेटर देखना है, 9th लेटर हमारा लेफ्ट से क्या होगा, आई होगा, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे आई के ऊपर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है गाइस कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज़ द 10th फ्रॉम राइट। सो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से हमने 10th लेटर को देखना है जो कि राइट से होगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख लिया होगा अपनी नोटबुक के ऊपर। सो हमने राइट से स्टार्ट करना है। चलो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ से राइट, राइट क्या है हमारा, जेड से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, यही हमारा राइट होता है ना, इस साइड से। सो इस साइड से हमने 10th लेटर देखना है। सो 10th लेटर क्या है हमारा, यहाँ से क्यू है। सो क्यू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? सो क्यू हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि हम जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के वो कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या है, इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बैकवर्ड यानी कि रिवर्स करके लिख दें, ठीक है। अभी हमने यहाँ से ए बी सी ऐसे नहीं लिखना, अभी हमने जेड वाई एक्स इस टाइप से लिखना है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में कहा उन्होंने, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। देन विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एम, ठीक है। देन विच लेटर, हमने एम से लेफ्ट मूव करना है और फिफ्थ लेटर बताना है, ठीक है, कि कौन सा होगा। क्लियर है गाइस? सो अभी आप लोगों ने एग्जाम में वहां पे ऐसा नहीं करना कि आप वहां पे रिवर्स में लिखोगे, ठीक है ना, अल्फाबेट्स को रिवर्स में लिखोगे, नहीं। आप लोगों ने ये अपने माइंड में ही अज्यूम करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अल्फाबेट सीरीज लिखी ही होगी, ठीक है, आई होप। सो आप लोगों ने उसको सॉल्व कैसे करना है? सो हमने एम से 5 लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, और बैकवर्ड ऑर्डर में होना चाहिए। सो ये हमारी सीरीज थी, ठीक है। ये आप, सो आप लोगों ने क्या समझ लेना है कि इसको ये बैकवर्ड ऑर्डर में लिखी हुई है। क्लियर है गाइस? सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ से हमने एम से लेफ्ट की ओर मूव करना है फिफ्थ लेटर, और ये क्या है रिवर्स में। अगर मैं इसको उल्टा दूं कि मैं एम से लेफ्ट की जगह राइट, लेफ्ट की जगह राइट मैं फिफ्थ पता कर लेता हूँ, क्लियर है गाइस? और मैं जो ये सीरीज है ये क्या है, बैकवर्ड है, इसको मैं फॉरवर्ड सीरीज में ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बैकवर्ड और लेफ्ट, मैंने इन दोनों को अपोजिट कर दिया, लेफ्ट की जगह मैंने राइट लिख लिया और बैकवर्ड की जगह मैंने फॉरवर्ड लिख लिया। सो मैं इसको ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सो मैंने एम लेटर चेक करना है, ठीक है, फिफ्थ राइट। सो एम, ये एम है, सो एम 1 2 3 4 5, सो ये मेरा फिफ्थ लेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। सो ये मेरा क्या होगा गाइस, आंसर होगा। क्लियर है? अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है कि हमने इसको रिवर्स से लिखना है। सो रिवर्स, अगर मैं इसको उल्टाऊंगा, ठीक है, सो मैंने राइट मूव करना था, सो राइट मेरा क्या होगा, यही मेरा राइट होगा ना, ऐसे यहाँ से लेफ्ट नहीं होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो लेफ्ट की ओर मूव करना है, नहीं, बट उन्होंने बैकवर्ड ऑर्डर में कहा हुआ है ना। सो हम यहाँ से जो लेटर सीरीज होगी वो जेड से स्टार्ट होगी ना। सो मैंने यहाँ से क्लियर गाइस मूव करेंगे इस डायरेक्शन से। सो यहाँ से मूव करेंगे, सो आर लेटर क्या आ जाएगा, आपका फिफ्थ लेटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इस केस में जो लेफ्ट है उसको अपोजिट कर देना राइट, और जो बैकवर्ड है उसको भी आप अपोजिट कर दो, तो आप इजीली जो भी आपकी फॉरवर्ड सीरीज होगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और ना ही आप लोगों ने रिवर्स में यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखना है, क्योंकि अगर आप रिवर्स में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इतना टाइम वहाँ पे नहीं होगा कि आप इसको रिवर्स में अल्फाबेट्स को लिखोगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लेटर दैट कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सो जो आर लेटर है हमने उसका फिफ्थ लेफ्ट देखना है। क्लियर है गाइस? सो हमने जो आर लेटर है उसका हमने फिफ्थ लेफ्ट देखना है। सो आर क्या है हमारे पास, दिस वन, इसका फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट यही होगा। सो ये क्या होगा, 1 2 3 4
4, 5, सो फिफ्थ पे हमारा क्या होगा गाइस, सो फिफ्थ पे हमारा लेटर एम होगा, ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है गाइस। अभी हमने सीरीज में देखा कि आर से हमने लेफ्ट मूव करना और हमने फिफ्थ लेटर देखना है, सो फिफ्थ लेटर क्या आ जाएगा, सो एम आ जाएगा, सो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मीन्स टू से जेड से स्टार्ट किया, अभी हमने ए से स्टार्ट नहीं किया, सो हमने अभी क्या करना है, देन विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ के, के से हमने सेवंथ लेटर देखना है, क्लियर है, सो वही सेम केस, सो यहाँ पे बैकवर्ड ऑर्डर में इसे कहा गया है, सो अगर मैं इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में ही रहने देता हूँ, सो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट की जगह मुझे लेफ्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और बैकवर्ड है इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, जो भी हमें ए बी सी डी ऐसे गिवन होती है, ठीक है, सो मैंने क्या करना है, के से लेफ्ट की ओर मूव करना है और मैंने सेवंथ लेटर देखना है कि क्या होगा, ठीक है, के से मैंने सेवंथ लेटर देखना है जो कि लेफ्ट से मूव होगा, ठीक है, सो के, के कहाँ पे हमारा, ठीक है, ये रहा के, ठीक है, हमने लेफ्ट से मूव करना है, लेफ्ट मीन्स मैंने पीछे की ओर मूव करना है, ठीक है, और सेवंथ, सो ये वन होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और सेवंथ लेटर हमारा क्या आ जाएगा गाइस, इसमें डी आ जाएगा, सो डी हमारा क्या होगा इसमें, आंसर होगा, ठीक है, सो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे, सो डी हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, सो हमारा आंसर क्या आ रहा था, डी, सो यहाँ पे हमारा डी क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं कम से कम टाइम में। सो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। सो इसमें क्या है कि इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन विच लेटर इज सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ इलेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट आ गया, सो अभी मैंने जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर लेफ्ट राइट का केस होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट का केस होगा तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 11 प्लस 7 कितना होगा, 18 होगा, ठीक है, और 18 हमने कहाँ से चेक करना है, ये लास्ट में क्या है, राइट, सो मैंने क्या करना है, राइट में से 18th लेटर को चेक करना है, क्लियर है गाइस, सो मैंने, और यहाँ पे सीरीज क्या लिखी हुई है, रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है, ठीक है गाइस, सो रिवर्स ऑर्डर से हमने इसको राइट में से चेक करना है कि 18th लेटर आपका क्या होगा, क्लियर है गाइस, सो हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, अभी हम सीरीज की ओर मूव करते हैं, सो हमने क्या करना था, इस सीरीज को क्या किया हुआ है, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, सो बैकवर्ड यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर से हमने राइट से, ठीक है, राइट से हमने लेफ्ट चेक करना था, सो यहाँ से ही आप चेक करो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सो क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, और राइट में हमने मूव करना, और कितना लेटर हमने चेक करना था, यहाँ से 18th, सो यहाँ से हमने 18th लेटर चेक करना था, ए से स्टार्ट करके, ठीक है, ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे, 18th लेटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना गाइज, अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो 18th लेटर होगा वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे देखो आर होगा, क्लियर है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट सीरीज है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जेड से नहीं, यहाँ से हमने ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी सो ऐसे मूव करता रहेगा, और लेफ्ट राइट से हमारा 18th लेटर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है गाइस, सो यही हमारा क्या होगा इसमें, यही हमारा क्या होगा गाइस, आंसर, सो आर ऑप्शन है, यस, सो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो इफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना. सो जो फर्स्ट हाफ होता है वो ए से लेके एम तक होता है, ठीक है. सो जो सेकंड हाफ होता है वो एन से लेके जेड तक होता है, ठीक है. इन्होंने क्या है कि जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ क्या है ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स टू से ये जेड से स्टार्ट होगा और यहाँ एन तक जाएगा. ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ये एज इट इज रखेंगे ए से लेके एम तक, ठीक है ना, ए बी सी डी सोन एम तक. एम के बाद यहाँ पे एन नहीं आएगा, एम के बाद यहाँ पे जेड आएगा, फिर वाई आएगा एक्स, ठीक है. सो इस तरीके से मूव करेगी. सो ये अभी हमारी सीरीज है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में ही सोचना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं. आप वहाँ पे अगर सीरीज से लिखने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा गाइज, क्लियर है. सो आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा उन्होंने. देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है. सो राइट क्या होगा, यहाँ से होगा गाइज. सो यहाँ से राइट शुरू होगा और हमने 15th लेटर चेक करना है. सो यहाँ से हम मूव करेंगे, यहाँ तक कितने लेटर्स हो जाएंगे, 13 लेटर्स हो जाएंगे. ये कितना होगा, 14th लेटर होगा, ठीक है. और M से पहले क्या आएगा, M से पहले क्या आता है यहाँ पे L, ये 14th लेटर हो गया और ये आपका क्या होगा, 15th लेटर. उन्होंने क्या कहा, राइट से 15th लेटर. सो 15th लेटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से गाइज, L. सो आपका L क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है गाइज. सो बहुत इजी ट्रिक है, आप लोगों ने इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है. और इसमें मैक्सिमम 5 सेकेंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगेगा, क्लियर है गाइज. सो आप इसको, ठीक है, अपने माइंड में सॉल्व करके टिक कर सकते हो क्वेश्चंस को. सो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं, ये हमारा टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. और ये देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा. सो इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, ठीक है. सो फर्स्ट हाफ हमारी ए से लेके एम तक होती है और सेकेंड हाफ हमारी एन से लेके जेड तक होती है, ठीक है. कहते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट है जो हमने रिवर्स कर दिया, सो रिवर्स कर दिया, एम से स्टार्ट किया, ए तक हमने मूव किया. एंड सो इज द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ को भी हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है. सो यहाँ से जेड से लेके एन तक ये अब हमारी क्या बनेगी, सीरीज बनी है. सो ठीक है, क्लियर है. सो हमने यहाँ से M से लेके A तक, फिर Z से लेके M तक, दोनों सीरीज को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिवर्स कर दिया. देन कहते हैं कि विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो अभी हम यहाँ पे राइट आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे, लेफ्ट आ गया. सो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट है. सो राइट लेफ्ट के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं दोनों को. सो यहाँ पे राइट प्लस लेफ्ट करेंगे, 7 प्लस 12 यहाँ पे कितना होगा गाइस, 19. सो 19 हमने कहाँ से देखना है, लास्ट, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट. सो हमने लेफ्ट से 19th लेटर को देखना है. सो 19th लेटर हम यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये तो राइट होगा, ठीक है. हमने लेफ्ट से मूव करना है और हमने 19th लेटर यहाँ से चेक करना है, ठीक है गाइस. सो हमने लेफ्ट से मूव करना है. सो एम से लेके ए तक आप लोगों के कितने लेटर्स हो जाएंगे, 13, क्लियर गाइस. सो अब हम यहाँ से मूव करेंगे और हमने 19th लेटर चेक करना है और जेड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो अभी आप लोगों ने क्या करना है, 13 लेटर हो चुके हैं, अब 14 जो काउंट करना है वो आप लोगों ने जेड से काउंट करना है. और जेड फिर क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, ऐसे आप लोगों ने 19th लेटर चूज़ करना है, ठीक है. सो 19th लेटर अभी क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, अगर आप काउंट करोगे, ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं सीरीज लिखूँ, सो जेड वाई एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, फिर यहाँ पे यू आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19. सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो 19 में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा, ठीक है. सो यू ऑप्शन में, हाँ सेकेंड ऑप्शन है. सो ये आपका क्या आ जाएगा गाइस, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है. आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट ट्रिक की मूव करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की ओर, ठीक है. ये आपका क्या है, टाइप टू है, ठीक है, टाइप टू है. और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है गाइस. सो जो आपकी नेक्स्ट सीरीज थी वो क्या थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है. सो यहाँ पे एक सीरीज गिवन होगी और जो भी इन्होंने कहा होगा कंसेप्ट वो हमने इसमें क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, ठीक है.
क्या कहते हैं कि हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस। ठीक है, हमने इवन नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, सो हमने इवन नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर जो यहाँ पे होंगे प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है कि इस नंबर के पीछे। क्लियर है गाइस, प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है, जो इस नंबर के पीछे आएगा उसको हम बोलते हैं प्रीसीडेड बाय। सो क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पे पीछे, ऑड नंबर होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। और फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, जो इस नंबर के आगे पड़ा होगा कोई भी नंबर उसको हम बोलते हैं फॉलोड बाय। सो इसके आगे क्या है, इवन नंबर है। क्लियर है, सो अभी हमने सीरीज क्या पता करनी है इसमें, ऑड इवन इवन। क्लियर है गाइस, सो हमने ये सीरीज पता करनी है, ये तीनों लेटर्स जहाँ पे इकट्ठे होंगे ऑड नंबर फिर इवन वो हमने बताने हैं कि कितने केस यहाँ पे बनने वाले हैं। क्लियर है गाइस, सो चेक करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम लोगों ने क्या देखना है कि दो इवन जहाँ पे भी आ जाएंगे उसके पीछे एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप ऐसे ट्रिक यूज़ करोगे तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो हमने यहाँ पे दो इवन नंबर देखने हैं जो इकट्ठे आएंगे। ठीक है, सो दो इवन नंबर यहाँ से मूव करते हैं। सो दो इवन नंबर चेक करो आप। ठीक है, सो यहाँ पे दो इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इनके पीछे क्या ऑड नंबर आ रहा है, ठीक आ रहा है। सो एक केस तो ये हो जाएगा। क्लियर है गाइस, आगे हम फिर दो इवन नंबर चेक करते हैं। दो इवन नंबर क्या है, ये दो इवन नंबर्स हैं और इसके पीछे क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, एक ये केस हो जाएगा। ठीक है, आगे दो ऑड नंबर, दो इवन नंबर्स आ रहे हैं और इसके पीछे क्या है, एक ऑड नंबर है। सो एक केस ये हो जाएगा। क्लियर है गाइस, सो आगे मूव करते हैं 9, 6, आगे कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं, 1, 2, 3। सो टोटल यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं। सो ये हमारा क्या होगा गाइस, आंसर होगा। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये सेकंड टाइप समझ में आया होगा कि इस टाइप के जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7। हमने फाइव्स चेक करने हैं प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है, जो इसके पीछे नंबर होगा। सो पीछे नंबर कितना है इसका, 7। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 6, इमीडिएटली फॉलोड, और इसके आगे नंबर क्या है, 6। सो हमने ये पैटर्न पता करना है 7, 5, 6 का, और ठीक है देखने की कितने केस इसमें बनेंगे। सो चेक करते हैं हम स्टार्टिंग से 7, 5, 6 का, 7, 5, 6 का। एक तो ये बन रहा है 7, 5, 6 का केस, और आगे 7, 5, 6 का नहीं, बस एक ही केस बन रहा है। सो हम यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे कि इसका 1 क्या आ जाएगा गाइस, आंसर 1 इज द आंसर। क्लियर है गाइस, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सो अभी हम थर्ड टाइप की ओर मूव करते हैं, ये हमारे क्या है, टाइप 3 है, और इसके देखेंगे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने किया था लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है गाइस, सो इसमें चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चैनल। ठीक है, चैनल में कितने पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, चैनल, यहाँ पे हमें चैनल गिवन है। सो हमने इसमें देखने कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेम ऑर्डर आते हैं जो इसमें हैं। ठीक है गाइस, जैसे हम सीरीज में लिखते हैं ना, सीरीज में ABCD, हमने ऐसे ही चेक करना है कि यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है अल्फ़ाबेट्स की या नहीं बन रही। सो यहाँ पे चेक करोगे, अगर आप ए यहाँ पे आ रहे हैं, सो एक अगर हम बैकवर्ड मूव करें यहाँ पे बी आ सकते हैं। ठीक है, बी के बाद यहाँ पे क्या आता है, सी। ठीक है, सो ये जो केस बन रहा है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, सो एक तो ये केस हो गया, अभी और चेक करते हैं हम। ठीक है, सो कैसे मूव करेंगे, आगे पीछे हम चेक करेंगे मूव करके। ठीक है, सो यहाँ पे अगर यहाँ ए से हम यहाँ पे मूव करें, ABCD नहीं, यहाँ पे एक लेटर और आना चाहिए था तभी यहाँ पे ई आएगा। सो ये केस नहीं बन सकता। आगे हम एल चेक करें। ठीक है, सो यहाँ पे मूव करें एल, एल के बाद क्या आता है, यहाँ पे एम आता है। ठीक है, एम की जगह पे ई आ गया, एम की उसके बाद, एम के बाद एन आता है। सो ये एक पूरा पैटर्न में बना हुआ है। ठीक है, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सो एक आपका ये बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपके दो पेयर्स बन रहे हैं जो कि
सेम काउंटिंग है जैसे कि आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स की होती है। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं? दो केसेस बन रहे हैं। सो आप टू पे टिक करोगे, यही आपका क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या है वो। कहते हैं इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन। सो हमारे पास जो वर्ड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो हमारे पास वर्ड है, ठीक है। सो हमने इसके क्या करना है, फर्स्ट जो दो लेटर्स हैं इसको हमने इंटरचेंज कर देना है, ओ यहाँ पे सी यहाँ पे। क्लियर है? एंड आल्सो द थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स, और थर्ड फोर्थ लेटर्स को भी इंटरचेंज कर देना है, एंड सो ऑन। ऐसे मूव कर रहा है ये एन यू, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। सो विच लेटर वुड बी द टेंथ लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट। सो राइट से अगर मैं काउंट करता हूँ, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दो दो के पेयर्स लेने हैं, सो ये दो दो के पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ से राइट से टेंथ लेटर चेक करना है, सो राइट मेरा ये होगा, सो यहाँ से मैं टेंथ लेटर चेक काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे क्या है, यू। लेकिन जब ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो U है जो वो N की जगह पे आ जाएगा और N है जो U की जगह पे आ जाएगा। क्लियर है गाइज? सो यहाँ पे टेंथ नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे N आ जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, N इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइज? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जो लेटर्स हैं हमने उसको इंटरचेंज करना है ना, सो उसके बाद हमने टेंथ लेटर बताना था इंटरचेंज करने के बाद। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर, N इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सो इफ द लेटर ऑफ द वर्ड वर्टिकल इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, हम अगर वर्टिकल, ठीक है, इसको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, क्लियर है गाइस, देन हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजिशन। वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे, वो सेम पोजिशन पे रहने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कि यहाँ पे कितने लेटर्स आएंगे। सो अगर सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, ए आएगा, सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। ए के बाद यहाँ से क्या आएगा, सी आएगा दूसरे नंबर पे, सो यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा। सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगा, सो यहाँ पे इसके नीचे ई लिख देंगे। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आई आएगा, सो यहाँ पे आई लिख देंगे, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। क्लियर गाइस? सो एल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर, सो यहाँ पे आर लिख देंगे। आर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे टी, सो यहाँ पे टी लिख देंगे इसके नीचे। और टी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वी, सो यहाँ पे वी लिख देंगे। क्लियर है? सो अभी हमने चेक करना है कि कितने यहाँ पे लेटर्स हैं जो कि रिमेन्स एट द सेम पोजिशन, सेम पोजिशन पे हैं, ठीक है। वी की जगह पे ए आ गया, ई की जगह सी, आर, ई, टी, आई। सो यहाँ पे आप चेक करोगे कोई भी लेटर है जो वो सेम पोजिशन पे नहीं आया, सभी हैं वो उन्होंने अपनी जो पोजिशन है उसको चेंज कर लिया। क्लियर है गाइस? कोई भी अपनी सेम पोजिशन पे नहीं आया। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे जीरो नहीं है तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, यही हमारा क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो ये तो था हमारा अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग का जो टॉपिक था। सो गाइस, अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें, जो भी न्यू अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।